नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज मैं पावर ट्रैक यूरो 50 ट्रैक्टर सुपर मैक्स है, ये कौन सा मॉडल है? ये 2018 मॉडल है। आज इसकी एवरेज निकालेंगे। ये पीछे है ना परम कंपनी का 8 फुट का रोटावेटर है। ये परम कंपनी का 8 फुट का रोटावेटर है, बिल्कुल एकदम नया रोटावेटर है जमा। ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है भाई, ये रहा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन पर। आज इसकी एवरेज निकालेंगे। दोनों तरफ तवे हैं इसमें, सिंगल रोटरी वाला है, दोनों तरफ तवे। और ये रोटावेटर है जो इसके ब्लेड हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये रहे ब्लेड, बिल्कुल नए ब्लेड हैं, एकदम कोई के साथ नहीं, देख इसको यहाँ तक नए ब्लेड के साथ में ये अपना रेडी कर रखे है। 14/9/28 के टायर के साथ में ट्रैक्टर। जो इसकी पाइप है, डीजल टैंक लगा है इसमें एक्स्ट्रा अलग से। जो ये नोजल वाला तेल ये इसमें आ गया, और ये पंप की वापसी का और ये नोजल की वापसी का ये साथ में घुमा के इस पाइप के साथ में ये यहाँ पर टंकी वापस। और जो ये वाला तेल है जो टंकी में से जाएगा तेल, ये घुमा के ये यहाँ वाटर सेपरेटर में इसका कनेक्शन कर दिया। और ये पूरा लीटर 2 लीटर पर कर रखे फिलहाल, डीजल पूरा 2 लीटर पर है। ये पॉइंट आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट पूरा 2 लीटर पर है। और कौन से गियर में चलाओगे जी आप? पहला का लो, लो के पहले में चलाइयो। चलो करो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम नोट हो जाए। 31 पर स्टार्ट होया है, 37 में चल पड़ा, यानी कि इसको हम 6 मिनट चलाएंगे ट्रैक्टर इस रोटावेटर के साथ में। ये परम कंपनी का 8 फुटा रोटावेटर है, और 6 मिनट का मतलब ये है गुणा में 10 हो जाएगी, 1 घंटे की एवरेज आ जाएगी। कि भाई अगर ये ट्रैक्टर ऐसे ही चलता रहा तो 1 घंटे में ये इतना डीजल लेगा। और जो इसका जिस खेत में चल रहा था, पड़ ज़मीन है उसमें ट्रैक्टर रोटावेटर चला रखा है। अब इसका देखेंगे कितनी की एवरेज लेगा। अगर और किसी भाई ने अगर अपनी ट्रैक्टर की एवरेज निकलवानी हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना, ताकि मैं आपके पास कॉन्टैक्ट कर सकूँ और कॉल कर सकूँ और आपको आपके पास पहुंच सकूं। यार छोटा रोटावेटर के साथ में, और जो इसकी लंबाई है जिस साइड में चल रहा है ट्रैक्टर, ये 54 फुट लंबाई के साथ में है। एक बार फीता काट गया, अमेरिका डिपा से पड़ा पोलोथीन में है, बात 54 मीटर की लंबाई है ये। और 8 फुटा रोटावेटर है, 8 फुट रोटावेटर जुताई के साथ में, तो उसके हिसाब से आप लगा लो कितनी। मैं आपको पूरा डिस्टेंस भी बताऊँगा कि इसने 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है, और उसकी जुताई की गहराई बताऊंगा। इधर देने का टाइम बाद में टाइम लगेगा इसमें। तो जो ट्रैक्टर है वो चला था 31 पे, चला था 36 पे स्टार्ट हुआ था 31 पे और 36 पे चल पड़ा था। तो इस ट्रैक्टर की जैसे माने चलो जो रोकने का टाइम है 33 रोक देंगे इसको, 6 मिनट की एवरेज आ जाएगी उससे। और फिर गुणा में 10 कर देंगे, उससे पूरे 1 घंटे की एवरेज आ जाएगी। कैसे चलता रहा तो 1 घंटे में कितना डीजल लेगा इस तरीके से। ये भाई गियर बक्से में देखें आवाज़ वगैरह कुछ, रोटावेटर के अंदर कोई आवाज़, बिल्कुल साइलेंट रोटावेटर है। एक बार खो दिए, एक बार देखिए, और फीता मार इसमें। अच्छा के मार दीजिए, अच्छा जो लाग रहा है यो कम से कम भी 8 इंच के करीब जुताई कर रहा है, 7.5 इंच जुताई कर रहा है। ये फीता है पूरा 7.5 इंच, 1 फुट यहाँ पर बना था, 7.5 इंच इसने जुताई करी, गहराई जुताई करी है। जो रोटावेटर की गहराई है वो 7.5 इंच तक गई हुई है इस खेत के अंदर। और ट्रैक्टर 7:33 पर रोकेंगे। अठारह का मॉडल है, पावर ट्रैक यूरो 50 सुपर मैक्स, 14/9/28 के टायर के साथ में। और ये है गिरारी कौन सी इसमें रोटावेटर में?
16-19 की गहरारी के साथ में चला रखा है भाई। वो किसी और भाई ने अगर अपने खेत में चलाना हो, मतलब जैसे भाई गहरारी का नंबर पूछने में प्रॉब्लम आती है, 50 HP का ट्रैक्टर है उस पर बड़ा हल्का चल रहा है। सही रोटावेटर का ही फर्क पड़ा है वो है, कभी ट्रैक्टर माड़ा भी ना तो बड़ा हल्का चल रहा है कभी खुल के। कितना है पुराना हुआ रोटावेटर? महीना पुराना। इसका भाई एक राउंड पूरा हो गया, दूसरा राउंड का भी 1.5 राउंड पूरा हो गया, सॉरी भूल गया मैं बताना आपसे। और अभी इसका जो दूसरे 1.5 से ऊपर चल पड़ा है, अभी 1 मिनट से भी ऊपर बच रही है, 1.5 मिनट के करीब बच रही है। लो के पहले गियर में चल रहा है ये, और 1800 RPM पे, लो के पहले गियर में 1800 RPM पर ट्रैक्टर चला रखा है। देखे खो दिए एक बार, चिता मारी इसमें तक आजे थे, वो छोड़ देने ऊपर तक करके छोड़ देनी नीचे अपने आप चला था न्यूंगे तो मेरे तक दिखाया कैमरे में दिखाया वो है 7.5-8 फुट पे, 7.5-8 इंच पे जा रही है कह रही। चल ठीक है ठाले, वो है 7.5-8 के करीब बीच में गया, लास्ट मिनट में चल रहा है भाई ट्रैक्टर। और लगभग 2 राउंड कंप्लीट हो गए, 56 मीटर का एक राउंड है, नहीं सॉरी 108 मीटर का एक राउंड है, तो लगभग दूसरे राउंड में चल रहा है ट्रैक्टर। अब इसकी लाद ही मिनट रहेगी बाकी, 108 216 मीटर करीब ये दूरी तय करा मेरा अनुमान है। वो टेढ़ा है, टेढ़ा ना इसने ठाव रोटावेटर ठाया थोड़ा हागिन कर देने भाई। आगे लो बस सीधा होगा ना छुट्टी तो पूरी बंद कर रखी, वो पाइप में रह जाए ना आवाज आहर गले गले टपकता रहेगा, वो इसने जगह ना आगे धर दे बोनट पे। अरे भाई इसके हिसाब से आप नीचे उतर लो जाता जी, या फिर हलियो मैं नीचे उतर दे एक झांडे टेन लियो लगा डीजल फिलहाल तो इसके हिसाब से तो 4 बनिया, 200 ml के पॉइंट है, एक 200 ml का पॉइंट है, और इसके हिसाब से तो 4 बनिया यो, हाँ लगभग 4.25 उड़े जाएगा। चलो देखेंगे पता बंद रखो भाई इसने, और बाकी जग है इसमें लगा रखे है निशान यूरे 16 तो यो हो गया, 17.2 है भाई देख ले भाई, 17.2 है। हाँ जी ठीक है, आप देखो कदे नो भाई ये सारे गवाह भी हैं भाई ना वो तो बात ठीक है भाई ना भाई, फिर कई बार जरूर ऑब्जेक्शन उठा दें लोग, 17.2 है पूरा खोल ले नवीन, घना थोड़ा नहीं लिया इसके हिसाब से, नहीं तेल खाओ कम है ट्रैक्टर, और उसके अलावा रोटावेटर का है नहीं तकनीक है ना, बहुत ही अलग किस्म की तकनीक है जिसमें अच्छा अच्छा तकनीक के कारण ट्रैक्टर पर वजन नहीं आने देता जो लोड पड़ेगा जो मशीन। अच्छा ये रोटावेटर का कमाल है, रोटावेटर का कमाल है, परम रोटावेटर का। अच्छा अच्छा सर, परम कंपनी रोटावेटर का कमाल है, लेने इनको तीस थोड़ा थोड़ा कुछ चटप का ही है ये बना हुई है। चल गियर गाल
मतलब 400 ml आया था इसका, 2-4 लीटर कर रहा था मैं। रुक जा थोड़ा सा, टपका दे बस भाई बस गाल, इतना ही नहीं होगा गाल तो कादा नहीं क्या आएगा कति से से। बस 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 ये जगह ने दर्द उल्टा उड़े इस बल करते जिस बल साइज था। यो ले भाई, ये पूरा 2 लीटर में करती है कि मैंने कि मैं ऊपर नहीं ना, पूरा है 2 लीटर है एक्यूरेट 2 लीटर पे देख ले, पूरा 2 लीटर पे है वो। अरे इसमें था 17.2। हाँ अब देखो, ये 13 हो गया, 12-13 हो गया ना, 1-2-3-3-12 है ना, ये 12.4 है फिलहाल, 3 और 4 के बीच में हड़े भी कमंगा घटा रहा है क्योंकि 12.3 और 4 के बीच में है फिलहाल, 5 पे 13 हो जाएगा ना, इस लंबी डंडी पे तो 13 हो जाएगा ना भाई, वो 13 हो जाएगा इस डंडी पे 13 हो जाएगा, तो 3 और 4 के बीच में है। चलो ठीक है, छोटे पॉइंट ने बाद में गणे हड़े चालू कर दे 13 पर, 1-2-3-4 17.2 था ना, 4 और 2 वो 4.3 लीटर हो गया, 4.3 4 लीटर 300 ml जो है डीजल लेगा पूरे 1 घंटे में, अगर नहीं हुआ चलता रहा तो। कौन से गियर में चलाया था अंकल जी आपने? यो पहला लो में चलाया था जी, लो के पहले गियर में चलाया था अपना। हाँ। रोटावेटर भैया, जमीन पहले कै बजे जोत रखी थी? पहले 1 बजे जोतती थी, 1 बजे जोत रखी थी रोटावेटर थे। रोटावेटर थे, अच्छा रोटावेटर थे जोत रखी थी पहले 1 बजे फेरी से रोटावेटर काट दिया, दूसरी बार रोटावेटर काट दिया इसके, उससे पहले 2 बार इसमें फाड़े निकाले हुए थे। अच्छा फाड़े निकाल के और 1 बार रोटावेटर काट रखे, बहुत गरक बांध था ये। अच्छा और गरक बांध में फिलहाल तो तापड़ हो रही थी, माटी बारिश हो रही इसमें तो। बारिश के कारण हो रहा था। अच्छा बारिश के कारण, बारिश बहुत बढ़िया हुई है, भारी बारिश थी तो कुल मिला 4.3 हो गया इसका डीजल 1 घंटे में, अगर इन्हें चले गया तो। यू था रोटावेटर, कोई दिक्कत है जी एवरेज काटने अलावा? एक और भी स्पर्म रोटावेटर में दोनों तरफ तवे हैं। अच्छा दोनों तरफ तवे हैं, अलग से टेक्निकल दी हुई है जिसमें कि तवे का फायदा क्या होगा? तवे का फायदा जी करने के लिए, जैसे एक तो रोटावेटर दोनों साइड पे बराबर लगे और एक तरफ ना खिंचाओ नहीं जो तवे। अच्छा अच्छा मतलब एक साइड से खिंचाएगा तो ट्रैक्टर पर भी, हां ट्रैक्टर भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, पकड़ नहीं कर पा, एक साइड तो होगा तो तवे की साइड तो ज्यादा लगेगा। ठीक यो है भाई, जैसी भी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छी या बुरी। और ये ट्रैक्टर था भाई पावर ट्रैक यूरो 50, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।